हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिव ओम क्लासेस। अब हम बात करने वाले कि अपचयन किसे कहते हैं। अपचयन की अगर आपको परिभाषा देनी है, ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जो अपचयन को दर्शाती है। अगर आपको किसी भी अभिक्रिया को, किसी भी रिएक्शन को पहचानना हो कि इसके अंदर रिडक्शन हो रहा है या नहीं, तो आप उसको किस प्रकार से पहचान सकते हैं, हम उसकी डिटेल के अंदर यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वीडियोस हो, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो, एमसीक्यू टेस्ट हो, सब कुछ फ्री में चाहिए, तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी ऐप है, वो डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, अगर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन की या फिर धन विद्युतीय भाग जो होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट जो है, अगर वो बढ़ रहा है, उसका इंक्रीमेंट हो रहा है, उसकी वृद्धि हो रही है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम रिडक्शन बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। या फिर ये कंडीशन फुलफिल ना हो, इन दोनों में से एक हो सकती है, या फिर किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अगर ऑक्सीजन जो है उसकी कमी हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। कोई भी यौगिक दे रखा है आपको, कोई भी कंपाउंड दे रखा है, अगर उससे ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, तो हम बोलेंगे कि उस कंपाउंड का, उस यौगिक का रिडक्शन हो रहा है। या फिर जो ऋण भाग होता है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है, उसकी कमी हो रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर अपचयन बोला जाता है। तो आप किसी भी अभिक्रिया को पहचानने के लिए कि उसके अंदर अपचयन हो रहा है या नहीं, उसके लिए मैं बता रहा हूं वो वाली कंडीशन याद रखना। तो अधिकता किसकी होगी, एक तो ये याद रखना, यानी कि इंक्रीमेंट किसके अंदर होगा और एक कमी किसके अंदर होगी, ठीक है। तो देखिए, अगर हाइड्रोजन बढ़ रहा है, हाइड्रोजन अगर इंक्रीज हो रहा है किसी भी यौगिक के अंदर, अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कि उसका अपचयन हो रहा है। या फिर धन विद्युतीय भाग जो है, यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो पार्ट होता है वो बढ़ रहा है, तो या तो हाइड्रोजन बढ़ रहा होगा या फिर धन विद्युतीय भाग है वो बढ़ रहा होगा। तो ये कंडीशन तो कौन सी के लिए आ गई कि कौन सी चीज बढ़ने पर हम बोलेंगे कि इसके अंदर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, रिडक्शन जो है वो हो रहा है। अब सर, कमी किस किस की हो सकती है? ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। अगर किसी भी यौगिक के अंदर ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, यहां पर तो ऑक्सीजन बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है उस यौगिक के साथ, यहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कहने का मतलब ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है उस कंपाउंड के अंदर से। या फिर और किसकी कमी हो सकती है, जो ऋण विद्युतीय भाग होता है, यानी कि इलेक्ट्रो नेगेटिव पार्ट जो है उसकी कमी हो रही है। तो अधिकता किस किस की हो सकती है? हाइड्रोजन की। इसका मतलब उस यौगिक के अंदर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। कमी किसकी हो सकती है? ऑक्सीजन की, यानी कि ऑक्सीजन उसके अंदर से बाहर निकल सकता है। या फिर धन विद्युतीय भाग की अधिकता हो रही है, कहने का मतलब धन विद्युतीय भाग है वो बढ़ रहा है, या फिर ऋण विद्युतीय भाग है उसकी कमी हो रही है। इन चारों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हो रही है किसी भी यौगिक के अंदर, किसी भी रिएक्शन के अंदर, इन चारों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे उसके अंदर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसके अलावा अगर किसी यौगिक में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, यानी कि बाहर से वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको भी हम क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। तो इसके अंदर किसी भी पदार्थ के अंदर वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को बाहर से प्राप्त कर रहा है, इस कंडीशन में भी हम उसको क्या बोलेंगे कि उसके अंदर अपचयन हो रहा है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अगर हाइड्रोजन बढ़ रहा है या फिर धन विद्युतीय भाग बढ़ रहा है, अथवा ऑक्सीजन की कमी हो रही है या फिर जो ऋण विद्युतीय भाग है उसकी कमी हो रही है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोला जाता है, अपचयन या रिडक्शन बोला जाता है। या फिर किसी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को बाहर से प्राप्त किया जा रहा है, तो उस अभिक्रिया के अंदर भी हम क्या बोलेंगे, उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इन सभी कंडीशन में से अगर एक कंडीशन भी आपको देखने के लिए मिलती है किसी भी रिएक्शन के अंदर, तो आप आसानी से देखकर बता सकते हैं कि भाई साहब,
इसके अंदर रिडक्शन हो रहा है, इसके अंदर अपचयन हो रहा है। अब सर परिभाषा तो हम समझ गए, लेकिन इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझाइए। तो हम डिटेल के अंदर इसके एग्जाम्पल लेते हैं, एक एक चीज को डिस्कस करते हैं और उसको क्लियर करते हैं। आप याद रखना, हाइड्रोजन बढ़ सकता है और धन विद्युती भाग बढ़ सकता है, दो चीजें बढ़ सकती हैं, और ऑक्सीजन की कमी या फिर ऋण विद्युती भाग कम हो सकता है। चारों में से कुछ भी हो रहा हो तो आप बोल देंगे अपचयन हो रहा है, या फिर पदार्थ जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर से ले रहा है, तो उसको भी अपचयन बोला जाता है। तो सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि इसको परिभाषित कैसे करेंगे। अगर आपके एग्जाम के अंदर आ जाता है कि अपचयन को परिभाषित कीजिए उदाहरण की सहायता से, तो सबसे पहले तो आपको जो उसकी डेफिनेशन है, उसकी परिभाषा है, वो तो लिखनी पड़ेगी। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन H2 या धन विद्युती भाग, यहां पे शब्द पे ध्यान देना, या इसका मतलब दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल हो सकती है, दोनों में से एक कंडीशन जो है वो बढ़ सकती है, दोनों में से एक चीज जो है वो अगर बढ़ रही है तो हम उसको बोलेंगे। तो हाइड्रोजन या धन विद्युती भाग की वृद्धि होती है, वो बढ़ता है, अथवा अथवा का मतलब या तो इन दोनों में से एक कंडीशन हो सकती है, या क्या हो सकता है, ऑक्सीजन O2 और ऋण विद्युती भाग इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है, अगर उसकी कमी हो रही है ऑक्सीजन की या ऋण विद्युती भाग की, इन दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी कि दोनों में से एक भी चीज कम हो रही है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है। अब सर एक एक चीज को लेके चलते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन की जो है वो वृद्धि हो रही है, कहने का मतलब किसी भी यौगिक के अंदर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, उसके अंदर हाइड्रोजन बढ़ रहा है, उसके अंदर हाइड्रोजन की इंक्रीमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले तो इसका उदाहरण देखो कि हाइड्रोजन बढ़ रहा है, उसका कुछ उदाहरण दो हमारे को। तो यहां पर हाइड्रोजन की वृद्धि, Cl2 है वो H2 से क्रिया करके HCl बनाता है, तो यहां पर हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ रहा है, Cl2 के साथ, तो अपचयन किसका हुआ, Cl2 का। जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ता है उसका अपचयन होता है, जिसमें से ऑक्सीजन निकलता है उसका अपचयन होता है। तो यहां पे देखिए Cl2 जो है वो किसके साथ, हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ रहा है, Cl2 के साथ, तो Cl2 का क्या हुआ, अपचयन हो रहा है। इसी प्रकार से N2 है, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है और जुड़कर NH3 बना लेता है, तो यहां पर हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ रहा है, N2 के साथ जुड़ रहा है, तो अपचयन किसका हुआ, N2 का हुआ। इसी प्रकार से C2H4 है, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है और जुड़ने के बाद C2H6 बनाता है, तो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ रहा है, C2H4 के साथ जुड़ रहा है, तो अपचयन किसका होगा, C2H4 का अपचयन हो रहा है। इसी प्रकार से I2 के साथ H2S जुड़ रहा है, अब यहां पे H2S है, इसका मतलब इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन भी है, तो H2S इसके साथ जुड़ के 2HI+S बना रहा है, तो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा, आयोडीन के साथ जुड़ा, तो अपचयन किसका हुआ, I2 का हुआ, आयोडीन का हुआ। अब ये तो बात आ गई कि भाई मैंने बात की ना कि भाई या तो हाइड्रोजन बढ़ सकता है, या फिर धन विद्युती भाग बढ़ सकता है, या फिर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, या ऋण जो विद्युती भाग है उसकी कमी हो सकती है, चारों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले बात की कि हाइड्रोजन की वृद्धि होगी तो हम उसको अपचयन कहेंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब हम बात करें कि धन विद्युती भाग, इसकी भी तो वृद्धि हो सकती है, जरूरी थोड़ी हाइड्रोजन की वृद्धि हो, अगर धन विद्युती भाग की वृद्धि हो रही है तो उसको भी अपचयन बोलेंगे। तो उसके एग्जांपल देखो, धन विद्युती भाग की वृद्धि, HgCl2 इसके साथ क्या जुड़ रहा है, Hg2 जुड़ रहा है, तो HgCl2 बन रहा है, तो यहां पर धन विद्युती भाग की वृद्धि हो गई और इसकी वजह से HgCl2 का क्या हो गया, अपचयन। इसी प्रकार से I2 Hg के साथ क्रिया करके HgI2 बना रहा है, तो यहां पर I2 का क्या हो गया, अपचयन हो गया। CuCl2 Cu के साथ क्रिया करके Cu2Cl2 बना रहा है, तो यहां पर CuCl2 जो है इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो यहां पर धन विद्युती भाग बढ़ने की वजह से HgCl2 I2 और CuCl2 का क्या हो गया, अपचयन हो गया। अब यहां तक की बात तो समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि O2 जो है ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी। हाइड्रोजन की तो वृद्धि होगी,
तब उसको अपचयन बोलेंगे। अगर उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो भी उसको क्या बोला जाता है, अपचयन, जैसा कि हमने बात कर ली। तो यहां पर ऑक्सीजन की कमी, इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, तो वो देखिए CuO है प्लस H2 है, यहां पे देखिए हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रही है, कहने का मतलब हाइड्रोजन जो है जुड़ रही है, तो वैसे भी अपचयन हो गया, देख के बता सकते हो। लेकिन यहां पर CuO की बात कर रहे हैं, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो ये बाहर निकल जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, अपचयन। और ये किसका उदाहरण हो जाएगा, O2 की कमी, O2 का बाहर निकलना, तो CuO प्लस H2 बन CuH2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो CuO था उसमें से बाहर क्या निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, तो ये क्या बच गया, कॉपर। तो अपचयन किसका हुआ, जिसमें से ऑक्सीजन जो बाहर निकल रही है। अगर हाइड्रोजन किसी चीज के साथ जुड़ रही है तो उसका अपचयन होगा, ऑक्सीजन किस में से बाहर निकल रही है उसका अपचयन होगा। तो ये CuO जो है उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है तो CuO का क्या हो गया, अपचयन हो गया। इसी प्रकार से ZnO है, उसके साथ कार्बन क्रिया करके Zn प्लस CO बना रहा है, तो यहां पर ऑक्सीजन किस में से बाहर निकला, ZnO में से बाहर निकला, इसका मतलब ZnO का क्या हो गया, अपचयन हो गया। इसी प्रकार से Fe3O4 है प्लस 4H2 इसके साथ रिएक्शन करके 3Fe प्लस 4H2O बना लेता है, तो यहां पे ऑक्सीजन किस में से निकला, Fe3O4 में से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो Fe3O4 का क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो इस प्रकार से आप एग्जांपल्स दे सकते हो कि भाई हाइड्रोजन की धन विद्युतीय भाग की और ऑक्सीजन की ऋण विद्युतीय भाग की कमी, इस प्रकार से आप किस प्रकार से बता सकते हैं एग्जांपल की सहायता से। अब लास्ट में मैंने आपसे एक बात और की थी, लास्ट में एक बात और की थी कि अगर कोई यौगिक या कोई पदार्थ जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, अगर कोई यौगिक या पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, तो उसको भी, उस अभिक्रिया को भी हम क्या बोलेंगे, अपचयन या रिडक्शन कहा जाता है। देखिए अपचयन क्या होता है, पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया अपचयन कहलाती है। अगर इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण किया है, इलेक्ट्रॉन उसने प्राप्त किया है, उसने रिसीव किया है बाहर से, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से धनात्मक संयोजकता में कमी तथा ऋणात्मक संयोजकता में वृद्धि होती है। जब कोई भी पदार्थ होता है, जैसे ए है, वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो ए प्लस आ जाता है, और ए प्लस अगर एक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या आ जाएगा, ए टू प्लस, और ए टू प्लस वापस से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या आ जाएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है ना, त्याग थोड़ी रहा है, अगर ए है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो यहां पर ए माइनस आएगा, ग्रहण कर रहा है, त्याग नहीं रहा, ए जो है, ए माइनस जो है वो एक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो ए टू माइनस आएगा, और ए टू माइनस एक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ए थ्री माइनस आएगा। तो यहां पर ऋणात्मक जो संयोजकता है उसमें क्या हो रही है, वृद्धि। तो देखिए ऋणात्मक संयोजकता में क्या होती है, वृद्धि। और इसके अपोजिट जो मैंने अभी बात की थी कि ए जो है वो अगर इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो ए प्लस आएगा, और इलेक्ट्रॉन वापस से तो इस पर 2 प्लस आएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तब तो धनात्मक संयोजकता बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो ऋणात्मक संयोजकता बढ़ती है। देखिए ऋणात्मक संयोजकता की वृद्धि हो रही है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। अगर ऋणात्मक संयोजकता बढ़ रही है तो इसके अपोजिट में क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से जो धनात्मक संयोजकता होती है उसके अंदर क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं कि Na प्लस है, सोडियम आयन है, वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो यहां पर क्या बन गया हमारे पास, सोडियम का एक परमाणु बन गया। तो सोडियम आयन है, वो एक इलेक्ट्रॉन कर ग्रहण करके सोडियम में कन्वर्ट हो गया, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये ग्रहण कर रहा है, रिसीव कर रहा है बाहर से। तो यहां पे देख सकते हैं कि धनात्मक जो संयोजकता है उसके अंदर कमी हो गई, पहले एक थी अब जीरो हो गई, तो देखिए धनात्मक संयोजकता में कमी होती है। ऋणात्मक की भी बात कर लेंगे,
SN4 प्लस दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और SN2 प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर धनात्मक संयोजकता में क्या होती है, कमी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन बाहर से ग्रहण कर रहा है। स्टेनिक आयन जो है वो स्टेनस आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। NS SN4 प्लस जो है दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके SN2 प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से ZN2 प्लस है वो दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जिंक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ZnK प्लस ZN के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये दो आवेश था, धनात्मक आवेश था, वो जीरो हो जाता है। तो ZN के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हमने अभी क्या देखा, धनात्मक संयोजकता के अंदर कमी होती है और ऋणात्मक संयोजकता के अंदर वृद्धि होती है। ऋणात्मक संयोजकता मैंने आपको बताई दी, अगर कोई किसी भी पदार्थ पर धनात्मक आवेश है, पहले से मान लो जीरो आवेश है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो वो ए माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ए माइनस अगर एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर रहा है तो दो माइनस हो जाएगा, दो माइनस वापस से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो ए थ्री माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से ऋणात्मक संयोजकता के अंदर एक दो तीन वृद्धि हो रही है ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की वजह से, तो वृद्धि होती है। और कमी की हम देख ही रहे हैं कि धनात्मक जो संयोजकता होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की वजह से, देखिए यहाँ पे एक था जीरो हो गया, फोर था दो हो गया, दो था जीरो हो गया, कमी होती है। तो धनात्मक संयोजकता जो होती है उसके अंदर तो कमी होती है। संयोजकता क्या होती है? किसी भी परमाणु के ऊपर जो ये जैसे ए टू प्लस है तो संयोजकता इसकी कितनी हो गई, दो, और धनात्मक चिन्ह इसलिए इसकी धनात्मक संयोजकता है कितनी, दो, ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अब Fe3+ है तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, तीन, और कौन सी, धनात्मक। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Fe2+ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि फेरिक आयन फेरस आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम अपचयन को परिभाषित करते हैं। इस टॉपिक में फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है या किसी भी अभिक्रिया के अंदर आप पहचान नहीं पा रहे कि अपचयन हो रहा है या नहीं, या फिर किसका अपचयन हो रहा है, तो आप कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हो, या फिर हम आपको अपने व्हाट्सअप नंबर दे देते हैं, व्हाट्सअप पे भी आप अपना कोई भी क्वेश्चन है या फिर नोट्स वगैरह आपको लेने हो तो आप हमारे को मैसेज कर सकते हो। हमारे व्हाट्सअप नंबर है, आप हमारे को व्हाट्सअप करके नोट्स वगैरह अगर कुछ चाहिए हो तो आप बता देना। अगर आप, और सब कुछ फ्री के अंदर देंगे हम, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो भी आप हमारे को व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी शिवम क्लासेस पर सब कुछ फ्री के अंदर हमने डाल दिए, चाहे वो वीडियोज़ हों, मॉडल पेपर हो, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो, नोट्स हों, सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। शिवम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।